नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। कारण है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव, इस उपचुनाव को लेकर के अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट से एक ऐसे नेता फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं जो विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवादित चेहरे के रूप में एक अलग पहचान रखने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े जाने माने चेहरे हैं। ढाई दशक तक बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया, राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। इसके बाद चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है और उसके बाद धनाधन जिस तरीके से हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जो विवादित बयान दिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य को ये संकेत दे दिए थे कि अपनी वाणी पर विराम दीजिए और ऐसे कोई भी बयानबाजी ना किए जाए जिससे कि पार्टी की छवि प्रभावित होती हुई नजर आए। लिहाजा 22 जनवरी को उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ऐसे में हार का सामना करने के बाद और बेटी संगमित्रा मौर्य का टिकट कट जाने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से उनके सियासी भविष्य की चिंता सता रही है। अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। लिहाजा अखिलेश यादव से भी हरी झंडी मिल चुकी है क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर यदि कोई राजनेता हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका पार्टी स्वागत करेगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नजर आने वाले हैं और हो सकता है कि कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।